अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। बड़ी गंभीर सिचुएशन है कराची शहर की। आज की तूफानी बारिशों ने शहर के अंदर हर जगह पानी जमा हो गया है, उन इलाकों में भी पानी जमा हो गया जहां पर कभी नहीं होता था। बहुत सारे MNAs MPAs निकले अपने अपने हलकों में ताकि वो इस लोगों की मदद कर सकें। वज़ीर आला सिंध ने भी ये कह दिया है कि आज की बारिशों ने कराची में तबाही मचा दी है। इंस्ट्रक्शन भी दी है कमिश्नर कराची को कि वो जल्द से जल्द इनखला करें मलीर के लोगों को, सुखम के लोगों को, और उनको स्कूल्स की बिल्डिंग्स में फौरी तौर पर जो है वो मुंतकिल किया जाए। उधर हमने ये भी देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गवर्नर इमरान इस्माइल को भी फ़ोन किया है। सिंध की हालिया सूरत हाल जो बारिशों से पैदा हुई है, जो कराची में आज हुआ है, उन्होंने तशवीश का इजहार भी किया है और उनको इंस्ट्रक्ट भी किया है कि कराची वालों को हम तनहा नहीं छोड़ेंगे और फौरी तौर पर जो जो बन सकता है रिलीफ की लिए, यानी रिलीफ की मद में जो कार्रवाइयाँ होती हैं उनको फौरी तौर पर तेज़ किया जाए। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे कि क्या कोऑर्डिनेटेड एफर्ट इस वक्त चल रहा है और क्या कराची में जो आज कुदरती आफत और अनप्रेसिडेंटेड रेंज, जैसे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा, उससे निमटने के लिए क्या अब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हो रहे हैं या नहीं। आफताब सिद्दीकी साहब कौमी असेंबली के मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं। डॉक्टर शाजिया सोबिया सुमरो साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कौमी असेंबली की मेंबर हमारे साथ हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन रेहान हाशमी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हमारे साथ हैं। आफताब सिद्दीकी साहब, ये फरमाइएगा पानी की सिचुएशन किसी सूरत कम हुई है? इस सूरत बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। मैं DHA फेज 6 में खैबान शहबाज से गुजर रहा हूँ और इस वक्त पानी 3-4 फुट खड़ा है। लोगों के घरों में ये पानी जा चुका है और DHA डिफेंस क्लिफ्टेंट सब डूबा हुआ है। कराची शहर तो डूबता ही था, आज डिफेंस क्लिफ्टेंट भी डूब गया है। और हर बारिशों में ये होता है कि डिफेंस और क्लिफ्टेंट की सूरत तशवीशनाक होती जा रही है और कराची शहर को इस वक्त आफत ज्यादा करार दे देना चाहिए। हमारी PM साहब से भी बातचीत हुई है, प्रेसिडेंट साहब की कॉल आई है, गवर्नर साहब की कॉल आई है। कल एक हंगामी इजलास बुलाया जा रहा है गवर्नर हाउस में कल दोपहर में, वहाँ पे स्ट्रेटेजी फाइनलाइज होगी। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिलीफ चाहिए कराची को, और कराची को इमिडिएटली जो है आफत ज्यादा करार दे के यहाँ पे जो भी रेस्क्यू की टीमें हैं, NDM है, फौज आर्मी सबको ऑन बोर्ड हो गई है और मजबूत रिइंफोर्स करना चाहिए। इस वक्त कराची शहर की जो सूरत हाल है, आपके तवस्सुत से, मीडिया के तवस्सुत से जो खबरें आ रही है बहुत तशवीशनाक है। मैं इस वक्त आपसे बात नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ पे पानी 3-4 फुट खड़ा हुआ है, ट्रैफिक जैम हुई है और घरों से में लोगों के पानी जा रहा है और बहुत बुरी सूरत हाल है। आफताब सिद्दीकी साहब, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि जब सारा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स इस वक्त चल रहे हैं तो आफत ज्यादा करार होने से क्या फायदा हासिल होगा कराची के शहरों को? हमने ये कहा कि दो टाइप के रिलीफ चाहिए, एक शॉर्ट टर्म रिलीफ जिसमें इमीडिएटली लोगों के घरों में जो पानी गया है वो रिलीफ किया जाए, जो बेघर हो गए उनको स्कूलों में शिफ्ट किया जाए, खाने पीने के अरेंजमेंट किए जाए। हम MNAs तो कर रहे हैं, MPAs भी कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं। इसमें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की जरूरत का हो गई है, वो हो रही होगी यकीनन। और इस वक्त हम कोई सियासी बातचीत मैं नहीं करना चाहता क्योंकि लोग कराची के परेशान हैं। कल इस हवाले से मेरी अभी असद उमर साहब से बात हुई है, प्रेसिडेंट साहब से बात हुई है, गवर्नर सिंह से, हम MNA MPAs भी ऑन बोर्ड है। ठीक है, तो क्या रिलीफ पैकेज का मतलब खराब है? रिलीफ का मतलब सुगत फंस चुका हूँ, मेरी गाड़ी रुक गई है और आप अंदर, ये बड़ी अजीब टेरिबल सिचुएशन है। ये रिलीफ पैकेज की जो आपने रिलीफ पैकेज की जो आपने बात की, यानी कि लोगों को फिर बाद में, अभी तो इनखिला करना है, फिर रिहैबिलिटेट करना है, रेस्क्यू करने पहुंचे में हम खुद भी और खुद भी फंस चुका हूं मैं इस वक्त यहां ट्रैफिक में। ओके, अल्लाह ताला भाई आपको भी और बाकी जितने लोग फंसे हुए हैं वो भी निकले, क्योंकि गाड़ियों में भी लोगों के पानी घुसा है, बहुत सी गाड़ियां बही हैं। हमने MA जिना रोड के वो मनाजिर देखे कि आशूरे की सिक्योरिटी के लिए जो कंटेनर्स लगाए गए वो बिल्कुल एक वो मंजर पेश कर रहे थे कि जैसे वो बोट्स हों, मतलब वो तैरती चली गई। आफताब सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है कि आप इससे ज़्यादा नहीं रुक पाएंगे हमारे साथ क्योंकि ये काम सब लोग जारी रखे हुए हैं। डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो साहिबा, अच्छी बात यह है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कम से कम आज के दिन कोई नहीं करना चाह रहा। ये जो रिलीफ वर्क हो रहा है ये कितना कोऑर्डिनेटेड है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू नादिया। अभी बात हुई थी रिलीफ पैकेज की, तो आपने बताया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज ट्वीट किया है कि 90 साल का रिकॉर्ड टूटा
का है इन बारिशों में। जी तो हम सब ने मिलकर इस चीज के लिए काम करना है, और इसमें अभी मेंबर साहब ने ये बात की आफताब साहब ने कि सब लोगों को ऑन बोर्ड किया गया है, तो उन्होंने सिंध गवर्नमेंट का नाम नहीं लिया, जबकि जब से बारिशें स्टार्ट हुई हैं, जब से सिंध गवर्नमेंट, सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब, उनके वुजरा सारे रोड पे नजर आते हैं, काम करते हुए नजर आते हैं, उनके उन्होंने अपने इदारों के लोगों की छुट्टियां तक मंसूख कर दी है ताकि लोगों को जल्द से जल्द रिलीफ मिल सके। तो मुझे देखिए यहाँ पे भी आप एक चीज देखें, डिफरेंस क्रिएट करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हैं कि इतनी बुरी हालत में भी आपको सिंध गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड, एक चीफ एग्जीक्यूटिव को सूबे के, उनको ऑन बोर्ड करने में आपको तकलीफ हो रही है। तो मैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहती, लेकिन ये एक बहुत दुख वाली बात है कि आप जिस शहर में रहते हैं, जिस सूबे में रहते हैं, आप उसको तो ऑन करना चाहते हैं, लेकिन वहां की जो गवर्नमेंट है उसको आप ऑन बोर्ड करते हुए आपको प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, यानी गवर्नर, गवर्नर ठीक है, जब आप मिलके काम करने की बात करते हैं तो मिलके काम करने में सिंध गवर्नमेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव जो मुराद अली शाह साहब हैं उनको ऑन बोर्ड करना जरूरी होता है। अच्छा, लेकिन जो शिकायत है लोगों की वो मैं आपसे आके डिस्कस करती हूँ, पहले जरा ओपनिंग कॉमेंट्स हम रेहान हाशमी साहब के भी ले लें, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन है। रेहान हाशमी साहब, ये बताइए कि सूरत हाल सेंट्रल की कैसी रही है, और अमूमी तौर पर शहर की जाहिर सारी खबरें आप तक भी पहुँच रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में कि जहाँ पर पहले पानी नहीं पहुँचता था, इस बार बारिशों में क्योंकि निस्बतन ज़्यादा बारिशें हुई हैं, तो उन नशीली इलाकों में नहीं बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर पानी की निकासी का मौसर निज़ाम है वहाँ पर भी पानी पहुँचा है। अच्छा, अब इसमें ये बात समझने की है कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी जब ऐसी नेचुरल डिजास्टर टाइप सूरत हाल इमर्ज होकर आती है तो वहाँ से पूरी पूरी आबादियों का इनखला होता है। सही। इसमें कोई शर्मिंदगी की या दूसरे को तजलील का निशाना बनाने के बावजूद इस बात की कि बहुत सारी गलतियाँ है मौजूद है ना, लेकिन मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में ऐसा होता है, और डिजास्टर लाइक जब सिचुएशन इमर्ज होकर आती है तो तमाम मुल्क अमूमी तौर पर अपनी फौज को डिजास्टर लाइक सिचुएशन से काउंटर करने के लिए, लेबर लाजमा होने के लिए बुला लेते हैं। उसमें कोई शर्मिंदगी की तो फौज तो काम कर रही है, नेवी भी कर रही है, फौज भी कर रही है, रेंजर्स भी कर रहे हैं, तो वो तो है ना ऑन बोर्ड। कुछ लोग हमारे सियासी दोस्त, कुछ लोग उसको अपनी तजवीज समझते हैं, तो कुछ लोग अपना पॉइंट स्कोरिंग भी समझते हैं, और उसमें बीच में सफर करती है आवाम। कराची जैसे एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। रेहान, यहीं पर मैं कथा कलामी करूंगी, आप जरा प्लीज लेट्स बी वेरी क्लियर ओवर हियर। कौन से सियासी दोस्त तस्लील समझते हैं कि जब अफवाज पाकिस्तान के हवाले से कहा जाए कि उनको ऑन बोर्ड लेना है? देखिये, मैं कोई बुरी बात हो जाएगी, बहरहाल हमारी सूबाई हुकूमत इसको समझती है, इस बात को हमारे फेडरल गवर्नमेंट की हुकूमत के इस बार बार रिपीट करने पे कि सूबाई हुकूमत को नाकाम या बैड गवर्नेंस, या बैड गवर्नेंस है बिल्कुल है, बहुत सारी जगहों पर है, फेडरल गवर्नमेंट में भी है, लोकल गवर्नमेंट में भी है, और सूबाई हुकूमत में भी है, लेकिन क्योंकि जब उसको मुस्तकिल मिजाजी से मुतनाज़े बनाया जाए इस अमल को कि किसी ऐसी सिचुएशन में जब डिजास्टर मैनेजमेंट को एंगेज किया जाना हो तो उसको इस बात से तजवीज दी जाए कि ये टोटल इंटेंशनल फेल है और फेलियर है, सभी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंगेज हो रहा है, नो डाउट इसमें बहुत सारी गलतियां हैं मौजूद सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, कि स्वीप प्रोग्राम आया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन देर से की गई, और फिर बरसाती नालों की सफाई के हवाले से ठीक है, लेकिन 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 रेहान मुझे एक चीज अभी भी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मुझे ब्रेक से वापस आकर ये डिस्कस करना है कि रेन इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, और प्रोविंशियल हुकूमत ने खुद ये कहा है कि प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो भी एक्टिवेटेड है। अभी जो मलीर में स्पिल हुआ था, अभी ये दो रोज से जो चल रहा है उसमें आईएसपीआर के भी बयान आए, तो ऑन बोर्ड तो है, मजीद क्या कोई एक और इन्विटेशन से आप कह रहे हैं कि लाइक आई यू इम्प्लाइंग कि इस वक्त फौज को आके कंट्रोल ले लेना चाहिए, आप क्या ये चाह रहे हैं? क्या मैं अभी आपको जवाब दूं इस बारे में? जी देखिए, अभी सिचुएशन अच्छी नहीं है, फौज को इसलिए मैं इस बात की हिमायत करूंगा कि एक स्टेट ऑफ आर्ट इदारा जिसके पास वसाइल मौजूद, मशीनरीज मौजूद, एक्सपर्टीज मौजूद है, और मैं इस बात को क्योंकि एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि दुनिया के दीगर ममालिक में भी
जब सिचुएशन इस तरह की होती है तो फौज वहां पर आकर रेस्क्यू का काम करती है। तो कराची में भी ऐसी सिचुएशन अभी इमर्ज होकर आई है कि जब हम टाइम बढ़ चुका है, बर्फ उबल रहे को है, अब मुख्तलिफ जगहों पर जो नशीबी इलाके हैं जेरे आब है, रेस्क्यू के अमल को जारी रखना है, मुख्तलिफ जगहों से निकासी के काम को या एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को बेहतर करना है, एडहॉक बेसिस पर आने में कोई मजाका नहीं है। कराची में अर्बन सिंध में जरूरत है भी आपका इकोनॉमिक हब है। ठीक है, मैं समझ गई, मैं मुझे ब्रेक लेने दें, डॉक्टर शाजिया इस पे बात करना चाहेंगी, लेकिन एक चीज से मैं डिसएग्री करूंगी रिहान आपकी। दुनिया भर में जब डिजास्टर आते हैं, नो डाउट अबाउट दैट कि सारे डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेटेड होते हैं, लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमेशा जो है वो सिविलियन इदारे दे रहे होते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो सिविल डिफेंस के इदारे हैं, जो रेस्क्यू के इदारे हैं, वो तो इतने बुरा और तबाह हाल हैं कि उनसे तो रेस्क्यू बनता नहीं है। हम वेलफेयर इदारों से मदद ले रहे होते हैं और उसके बाद अल्टीमेटली हमें काम करती नेवी ही नज़र आ रही है और फौज ही नज़र आ रही है जिन्होंने इनको रेस्क्यू करना है लोगों को। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि इस सब के बावजूद, जबकि वो इस पूरे ऑपरेशन में इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं, एक कंट्रोल पूरे शहर का अगर फौज को दे दिया जाए, इस पर पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत क्या कहती है? एक ब्रेक के बाद डॉक्टर शाजिया से पूछते हैं। वेलकम बैक डॉक्टर शाजिया सोबिया साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं, रिहान हाशमी साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन भी हैं। ब्रेक से पहले अर्ज किया रिहान साहब ने कि बेहतर होगा कि अगर फौज इस वक्त टेक ओवर करे, और वो क्योंकि एक स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कंट्रोल मशीनरी से लेके एवरीथिंग दे हैव। आप ये समझती हैं डॉक्टर शाजिया के जो गवर्नर साहब के यहाँ कल इजलास होने को है, जिसमें तहरीके इंसाफ के सारे लोगों को इनवाइट किया गया है, जैसे कि आफताब सिद्दीकी साहब ने इब्तिदा में कहा, नाउ दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी डिस्कस्ड, जब हम इसको वो कहते हैं कि आफत ज़दा करार दिया जाए और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीटीआई ये चाहती है? देखें नादिया, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोकल गवर्नमेंट थी वो किसके पास है, और ये देखें ना कि आप अगर बात करने पे आए तो बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन हम इस वक्त इस चीज को नहीं करना चाहते। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब शुरू से ही एनडीए में और पीडीए में और सिविलियन इदारे जो है वो एक्टिव है और काम कर रहे हैं, तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि टेक ओवर करने वाली बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। आप मिलके काम करें, आपने आगे बढ़ते अगर काम करना है, कराची को ओन करना ही है, तो आप काम करके दिखाएं। तो देखें वैसे ही आपकी अफवाज जो है वो आपके शाना बशाना खड़ी रहती हैं और कभी भी वो पीछे नहीं होती है। हमें तो खुद को एक होके और इस वक्त रिलीफ देना है लोगों को, ना कि हमने यहाँ पे उस चीज को पॉलिटिसाइज करना है। सही। तो मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पे भी इस चीज को, हमें यहाँ पे अल्लाह से रहम की दुआ करनी चाहिए, हमें अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। ये यहाँ पे भी उस चीज को कैश करना चाहते हैं, उस चीज पे सियासत करना चाहते हैं, ताकि इनकी जो दिल की बातें हैं या जो ये चाहते हैं वो इस तरफ से पूरी हो जाए। अच्छा रिहान, देखें ये तो ढकी छुपी बात नहीं है, जब से मॉनसून स्पेल शुरू हुआ है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कड़ी तनकीद का निशाना है, इवन आपकी जमात को है, कि आप दोनों जो हैं वो इस शहर में हैं, सूबे में हैं, साथ बैठे थे, अलग हुए, सब कुछ हुआ, और जो कुछ आज हमें हाल नज़र आता है सबकी गलतियों से है, दोनों जमातों की गलतियों से है। पीटीआई तो अभी आई है ना पावर में और अब 14 उनके एमएनए हैं और बाकी उनके एमपीएस हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये क्यों लगता है कि जितनी बड़ा डिज़ास्टर उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, और ये दिस इज़ नाउ इन दी ऑफिंग के क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट से आप लोग नाला हैं, यही वो वक्त है कि जब फौज को इन्वाइट कर लिया जाए कि दे शुड टेक केयर ऑफ द सिटी रादर देन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जी रिहान, आपको आवाज आ रही है? नहीं, अर्ज कर रहा हूँ, देखिए जो भी सिलसिला होता रहा, एमक्यूएम पाकिस्तान इस शहर की स्टेक होल्डर रही है, अभी भी हमारे स्टेक्स हैं इस शहर में, और खुशकिस्मती से हमारे नुमाइंदगान मुंतखब नुमाइंदे उन्हीं गली चुके में रहते हैं जहाँ पर एक आम आदमी इन तमाम चीज़ों को सह रहा है। एलीट क्लास की जमात नहीं है एमक्यूएम, और वही तमाम चीज़ें सह रहे होते हैं। इसी तरह हम वो तमाम चीज़ों की लपकुशाई रोजे अव्वल से कर रहे हैं, चाहे वो कोटा सिस्टम हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, अनइक्वल फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन हो, या दीगर इश्यूज हो, आर्टिकल 140 हो, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग ना करना, फंड्स का सही मायने में कराची को नहीं देना,
और लंगड़ा लूड़ा बल्दियाती निज़ाम दे देना। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ कराची की कोर इश्यूज के लिए कह रहा हूँ, क्या मेरी तरह कोई और कहेगा? नहीं कह रहा तो क्या, क्यों नहीं कह रहा? हम अभी ग्राउंड पर है, सड़क पर है, पहली दफा नहीं आया कि तस्वीर को फोटोशूट करते रहे। मुस्तकिल हमारे लोग, हमारे मुस्तकिल नुमाइंदे ग्राउंड पर होते हैं, कोई अचंभे की बात नहीं है। दूसरों के लिए मैं क्लेम करता हूँ कि हर आदमी के लिए या हर जमात के अक्सर नुमाइंदों के लिए ये दमखम पैदा करना पड़ेगा उनको कि एमकेएम के इस स्टैंडर्ड को कम से कम पूरा करें, कि लोगों के बीच में रहना शुरू करें। क्यों, पीटीआई भी तो सड़कों के ऊपर है ना, आप ही की इत्तेहादी जमात भी है। अच्छी बात है, आपके तो अच्छी बात है, मैं उनको खुशामदीद कहूंगा और कोशिश करें कि वो आवाम के बीच में रहे, कोई भी जमात हो। मैं तो फकत ये कह रहा हूँ कि जैसे वजीर आला आ रहे हैं, पहले आते पीपल्स पार्टी के दोस्त आ रहे हैं, पहले आपसे बहुत अच्छी बात की, और आना नहीं मकसद है ना, मकसद रिजॉल्व करना है, मकसद ये है कि जो कोर इश्यूज है उनको आइडेंटिफाई करना और उसके लॉन्ग टर्म प्लान देना। लॉन्ग टर्म प्लान उस वक्त होता है कि जब आप बल्दियात के तसलसल को कायम रखते हैं, बल्दियात इंतखाबात के तसलसल को कायम रखते हैं, जब एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर इंसार और ब्यूरोक्रेसी के इंसार करने के बजाय आप मुंतखब नुमाइंदों के ऊपर इंसार करना शुरू करें। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म देखें, जो आज की सूरत हाल है रेहान, देखें ये तो वो बातें हैं जो हम करते आ रहे हैं और पिछले चंद हफ्तों से ये बातें हो रही हैं। इस वक्त जो बात है कि कराची इस वक्त डूब रहा है, लोगों के घरों में पानी है, इमलाक को नुकसान पहुंचा है, लेकिन ये बात क्या आप लोगों की कहीं कोऑर्डिनेशन इस वक्त सूबाई हुकूमत के साथ है कि रिलीफ के साथ साथ हमें इन द लॉन्ग रन इनको कॉम्पनसेट भी करना होगा? गाड़ियां तबाह हो गई हैं, घर तबाह हो गए हैं, फर्नीचर तबाह हो गए हैं, ये बात हुई है कहीं? ठीक है, हम क्लेम के तौर पर तो कर रहे हैं, हम अपनी डिमांड तो कर रहे हैं, लेकिन हम ना सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं बल्कि इसके लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की भी डिमांड कर रहे हैं कि बरसाती नालों में से सवरेज का निजाम निकाल कर मुतबादल सवरेज का निजाम बनाया जाए, इंक्रोचमेंट खत्म की जाए। और ये डिमांड आपको अच्छा आपको आपको लगता है पीपल्स पार्टी ये डिमांड पूरी नहीं करेगी? मैं इसलिए फौज ही पूरी कर सकती है क्योंकि उनका एक स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा है, इज दैट व्हाट यू मीन? लेकिन मैं मौजूद के साथ एक बात कहूँ जो जिसका कभी इंकार है, पीपल्स पार्टी की शायद पॉलिसी रही है कि कराची को वो इख्तियार या कराची के नुमाइंदगान को वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाए। शायद उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कल्चर हमेशा से रूस पर है, कभी एफआईआर दर्ज करके, कभी फेक मुकदमा बनाकर, कभी इस्तेहसाल का शिकार बनाकर, कभी फंड्स की बंदिश करके। अच्छा ये समझ रहे हैं कि शायद एमकेएम को नुकसान होगा क्योंकि मेजोरिटी में तो एमकेएम है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके एमकेएम को गंदा करने की पॉलिसी खत्म होनी चाहिए भाई, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। आप देख रहे ना क्या रिवाज रहा है मुल्क में, नवाज शरीफ साहब आते थे पीपल्स पार्टी के मुकदमे, पीपल्स पार्टी आती थी नवाज शरीफ के मुकदमे, और इनके वो यतीम बच्चा जिसके ऊपर सभी अपनी सभी ने कुछ लगाई एमकेएम की। मैं आप लोगों की जो भी ग्रीवेंसेस हैं उससे मतलब कोई बात कर नहीं, आप कर रहे होंगे फैक्ट्स पे बात, लेकिन मैं मेरी हैरानी आज ये है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें लोग अपने घरों से बाल्टियों से पानी निकाल रहे होंगे, ऐसे में हम इस वक्त बैठ करके बजाइए कि आप ये बताएं कि जी आपने या वसीम अख्तर साहब ने वजीर आला से कांटेक्ट किया, सेक्रेटरी बल्दियात से बात हो चुकी है और बात हो रही है इस चीज़ के ऊपर, हम कॉम्पनसेट करेंगे क्योंकि आप अपने अपने वोट बैंक को भी तो आपने बताना है ना, लेकिन आप इस वक्त बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म बात की जो कि बाद में हो सकती है जब पहले ये इनखला कर दिया जाए। ये हर साल होगा नादिया दीदी। अच्छा, ये हर साल जिल्लत और रुसवाई का सामान होगा और ये हर साल जिल्लत और एक्शन नहीं लेंगे। अच्छा बिल्कुल ठीक है, और काश कि ये एक्शन पीछे आप लोगों ने भी लिए होते, ये तो मानते हैं ना आप? हमने जो एक्शन लेना था, मैंने तो ये कहा ना कि वो एक आम आदमी तो सह रहा है ना, तो हम भी सह रहे हैं, हमने तो हर अंदाज में एक्शन लिया और हमारे एक्शन को इतना ज्यादा रिएक्शन दिया गया कि हम उस रिएक्शन का शिकार होकर ठहर गए। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, रेहान साहब रहिएगा हमारे साथ, डॉक्टर शाजिया सुबिया इस पे रिस्पॉन्ड भी करने जाएंगी। पीपल्स पार्टी के सिंध के वुजरा से, खसूसन वो जो काबीना में बैठते हैं, वजीर आला के बड़े क्लोज हैं, उनसे लोगों को आज बड़ी हमने शिकायत करते देखा सोशल मीडिया पर। आप जानते हैं कि हर तरह की तस्वीर आ रही थी कि कराची शहर किस तरह से डूब रहा है, लोग किस तरह से फंसे हुए हैं, परेशान हैं। वहीं पर ये आवाज़ भी उठ रही थी कि अब थोड़ी देर जब बारिश रुकेगी तो मेन शाहराहों की सूखी हुई पिक्चर्स जो हैं वो फौरी तौर पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा ट्विटर पर डालना शुरू कर देंगे और ये बताएंगे कि सब अच्छा है। लेट्स टेक अ ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं और इस पर बात करते हैं।
वेलकम बैक डॉक्टर शाजिया सोबिया सुमरो साहिबा हमारे साथ हैं, रिहान हाशमी साहब हमारे साथ हैं। आपको अपडेट कर दें उन नाज़रीन के लिए जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने इब्तिदा में प्रोग्राम में आके ये कहा कि कल गवर्नर हाउस के अंदर एक बड़ी अहम इजलास जो है वो कन्वीन किया जा रहा है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेम्बरान को बुलाया गया है। एक आफत ज़दा शहर इसको करार देना चाहिए, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म के तहत इस पर काम होगा, जिसमें रिलीफ पैकेजेस का भी उन्होंने कुछ जिक्र किया। लेकिन ज़ाहिर है जब वो कल इजलास होगा तो उसके बाद ही चीज़ें सामने आएंगी। डॉक्टर शाजिया, ब्रेक से पहले रिहान हाशमी साहब ने अपने लॉन्ग टर्म जो बातें हैं, जो इस शहर का दरीना मसला है, लोगों को शिकायत हैं आपकी हुकूमत से भी, क्योंकि बल्दियाती इदारों के पास जितने भी इख्तियार थे उनसे भी शिकवा करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। ये इस वक्त जो शिकवे किए जा रहे हैं और सोचा जा रहा है, और पीटीआई भी बड़ी नाला नज़र आती है, बार बार वो कह रहे थे कि तश्वीश का शिकार है, पूरा जो शहर है वो बड़ी अजीब हालत में हो चुका है इस वक्त और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक इज़ गोइंग टू हैपन नाउ? लेकिन हदिया, सबसे पहली बात यह है कि जो रेहान साहब ने बात की है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस बात पे कि वो इस वक्त पे भी सियासत करने का उनके पास टाइम है। देखें, ये खुद कितनी दफ़ा हकूमत में रह चुके हैं, बल्कि अब भी ये खुद गवर्नमेंट में हैं और पीटीआई के मेरे ख्याल में 14 एमएनएज हैं और बहुत सारे एमपीएज हैं। तो आपको कहीं भी वो इन बारिशों के दिनों में, जब से बारिशें शुरू हुई हैं, कहीं पर आपको नज़र आए हैं कि कहीं आप लोग मीडिया वाले सब लोग हाईलाइट कर रहे हैं ना कि कहाँ कहाँ पे काम हो रहा है, कौन कौन आ रहा है नजर, तो इनकी तो कोई भी लोग नजर नहीं आ रहे। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि सीएम सिंध खुद अपनी कैबिनेट के जो मिनिस्टर थे उनके साथ विजिट कर रहे थे और उन जगहों पे भी गए थे जहाँ बहुत ज्यादा हालात खराब थे, जबकि अभी इतनी तेज बारिशें नहीं हुई थी। लेकिन हम लोगों ने, आपने देखा होगा कोरोना में भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने यही कहा था कि आप कोई पॉलिसी लाएं, हम आपके साथ मिलके काम करने के लिए तैयार हैं। और अब भी हम लोग यही कह रहे हैं कि ये एक ऐसा डिजास्टर है जिसको सबने मिलके सामना करना है। और इसके लिए ये नहीं होता है कि आप पार्टीशन करके बैठ जाएं, जी ये इस तरफ आप बैठ जाएं, इस तरफ हम करेंगे। भाई आप लोग मिलके आगे बढ़ें, क्योंकि ये चीज ऐसी है, ये एक अल्लाह की तरफ से आफात है, मुसीबत है, इसको हमने मिलके मुंह देना है और उसके साथ ही आवाम को रिलीफ भी देना है। क्या तो ये चीज, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि इस तरह की बातें, और सिंध हुकूमत पे तो कब क्रिटिसिज्म नहीं हुआ है। अच्छा, हर दफा क्रिटिसाइज किया गया, नहीं, लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म किसी चैनल पे या किसी बंदे ने आके ये कहा, डॉक्टर शाजिया, गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोई अच्छा काम किया? देखिए, एक चीज जो कि बहुत लोगों को तकलीफ पहुंचाती है कराची वालों को, और मैं ये नहीं कह रही कि गलत दिखा रहे हैं, जाहिर है वो लाइव फुटेज दिखाते हैं, सईद गनी साहब और सादिया जावेद साहिबा भी दिखाती हैं, बहुत सारे आपके वुजरा हैं कि वो ट्रैवल करते हैं रात को शारा फैसल पर, शारा कायदी पर, शहीद मिल्लत पर, और कहते हैं देखिए पानी यहां से निकल गया है। जो शायद वो आप लोग लैक कर रहे हैं कि जिनके घर डूब गए हैं, जिन गलियों में पानी खड़ा हुआ है, जिनकी इमलाक को नुकसान पहुंचा है, उनके लिए कोई बयान नहीं है, उनके लिए कोई एक्शन नहीं है। वजीर बल्दियात, मेरे ख्याल में आपने नहीं सुना होगा, वजीर बल्दियात नासिर शाह साहब ने ये खुद कहा है कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पे अभी भी काम करने की जरूरत है। ये कल परसों उनकी बात थी कि कुछ एरिया अभी भी ऐसे हैं जहां पे पानी है और वहां पे काम करने की जरूरत है। और अब क्योंकि हमने जो हाफ सिटी है कराची, वो हमने इसको सही कर दिया है, अब हम उन इलाकों की तरफ जाएंगे जहाँ पे पानी अभी भी रुका हुआ है। तो आप समझती हैं, जब आप ये कहती हैं कि डिजास्टर है और एक कुदरती आफत है, तो गवर्नमेंट आपकी है, क्या आप समझते हैं कि हाँ इमदादी पैकेज अनाउंस करना होगा, लोगों को कॉम्पेंसेट करना होगा जिनकी इमलाक को नुकसान पहुंचा है? देखिए नादिया, ये हम भी इस चीज के लिए कह रहे हैं, और आपने सुना होगा कि सीएम मुराद अली शाह साहब ने ये कहा है कि ये एक डिजास्टर है और इसको हमने रिलीफ देना है लोगों को। ठीक है, तो ये देखें, ये दो कॉन्ट्रोवर्शियल बातें हैं कि एक टेक ओवर करना और रिलीफ देना दो अलग अलग बातें हैं। जिनको ये टेक ओवर करने का कह रहे हैं, ये इस बात सही नहीं है। जहां पे हो सकता है हम पूरे गवर्नमेंट जो है सिंध गवर्नमेंट वो काम कर रही है, लेकिन जहां जहां जरूरत है हमें अफवाज पाकिस्तान की, वहां पे हम उनसे मदद जरूर लें। मदद ली जा सकती है, लेकिन टेक ओवर की बात करना इस वक्त बिल्कुल गलत है। रिहान हाशमी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं?
जी रेहान साहब, ये बताइएगा कि कल आपको इल्म है कि आज जैसे वजीर आजम पाकिस्तान ने भी तशवीश का इजहार किया, गवर्नर साहब को भी इंस्ट्रक्ट किया है, आप क्योंकि इत्तेहादी जमात हैं, कल एक बड़ा अहम इजलास आफताब सिद्दीकी साहब कहते हैं होने जा रहा है, तो क्या आप लोगों को भी उसमें दावत दी गई है? देखिए मैं कबल इस बात को एड्रेस करूँ, बताता चलूँ कि जिसके पास अथॉरिटी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, दोनों चीज़ें साथ होंगी, उसी से सवाल किया जाएगा ना, उसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। आप मेयर कराची को अथॉरिटी और वसाइल दे देते, उस पर सवाल करके अच्छा लगता। वाटर कमीशन ने जो हिदायत दी थी कि नाले की सफाई के हवाले से मेयर को जो फंड एलोकेट किए जाए उसका आधा रकम दी गई चार साल में, चार साल बल्दियाती दौर में सिर्फ एक बार बल्दियात को सिर्फ 1 करोड़ रुपए वाटर कमीशन की हिदायत से दिए गए। आप चले पैसे नहीं देते, नहीं देते मशीनरी देते, जितने वसाइल लगाए जा रहे हैं ना, एक्स वाई जेड लगा रहा है, उतने वसाइल या उतनी मशीनरी आप मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को देते और सवाल करते, बड़ा अच्छा लगता। आपने दिया कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं, उनके पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। अच्छा, सवाल कर रहे हैं तो मुनासिब नहीं है। रेहान, मीटिंग की बात है जी, हाँ बताएं बताएं बताएं, मीटिंग के हवाले से बताएं कि क्या आप लोगों को भी मदद किया गया? मीटिंग अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन इस मीटिंग का जो नतीजा है, जो मीटिंग होनी चाहिए उसमें कुछ ना कुछ कंक्लूड होना चाहिए। अब जैसा कि एक कंक्लूजन तो हुआ है ना, एक कमेटी तो तश्कील हो गई ना विफाक के लेवल के ऊपर सूबाई हुकूमत के साथ, गवर्नमेंट की मांग भी उसके कोऑर्डिनेटेड एफर्ट पे जो आप मुस्तकिल कह रहे हैं, यही तो मसला है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कौन करेगा भाई, ये पॉलिटिकल स्कोरिंग से निकलेंगे ये लोग तो करेंगे ना? नहीं, लेकिन क्यों एक कमेटी तश्कील हुई? असद उमर साहब ने ये कहा कि सब मिलकर काम करेंगे, वो बताएंगे 2 हफ्तों में कि किस तरह से किसने क्या करना है। तो लेकिन सियासी स्टेटमेंट के लिहाज से तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्या कोऑर्डिनेशन हुई है? अच्छा सर, तो आप क्या कंक्लूजन चाहते हैं? ओके ओके, लेट्स बी वेरी स्ट्रेट बिकॉज दिस इज माई लास्ट 30 सेकंड्स, क्या कंक्लूजन चाहते हैं आप? कंक्लूजन ये मुझसे पूछिए ना आप। जी बिल्कुल रेहान, कंक्लूजन ये और कंक्लूड ये होना चाहिए मीटिंग में कि आर्टिकल 140 लगाया जाए आने वाले दिनों के लिए, ये मसाइल ना हो और एक मरतबा रिफॉर्मेशन हो जाए इदारों की, बदमाशों की, कराची को बर्बाद करने वालों की जिम्मेदारी का तायिन हो जाए। अच्छा। और उनको उनके उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, और चाहे उसमें कोई भी हो, उसमें आपकी जमात भी होगी भाई, कि इंक्रोचमेंट आपके जमाने में बहुत हुआ है। ठीक है चलिए, तो बड़ी ये बड़ी अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि अब जिसने खराबा किया है उसको सजा देनी चाहिए। डॉक्टर शाजिया, आप समझती हैं कि एक कमेटी भी तश्कील हो गई, और ऐसे में जब एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के लिए सब अग्रीड हैं, तो इस वक्त किसी और कंक्लूजन की जरूरत होनी नहीं चाहिए किसी हंगामी इजलास में? जी नादिया, क्योंकि एक कमेटी बन चुकी है, तो जो भी काम होना है या जो भी स्ट्रेटेजी बननी है उसके अकॉर्डिंगली होनी है। और दूसरी बात, अगर वजीर आजम साहब को कराची का इतना दुख है, तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी कि बलूचिस्तान के सारे जमीनी रابطے खत्म हो चुके हैं, एक दफा वहां पे भी आप टेक ओवर कर लें तो वहां पे भी, और कश्मीर में कोटली में भी सारे, और चित्राल में भी सारे जो जमीनी रابطے हैं वो खत्म हो गए हैं। वहां पे भी देखिए, कुदरती आफात सिर्फ कराची में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में है। तो टेक ओवर अगर करना है आर्मी ने, तो उन जगहों पे ज्यादा जरूरत है जहां पे लोगों को जमीनी रابطے बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और उनको जरूरत की चीजें चाहिए हैं। okay. तो वहां पे आर्मी को आप ज्यादा भेजें तो बेहतर होगा एज कम्पेयर टू कराची, क्योंकि कराची में सिंध गवर्नमेंट है और बाकी जितने भी इदारे हैं, एमपीएस, एमएनएस, आपके जो इलेक्टेड हैं पीटीआई के, वो आगे आए काम करने के लिए। तो सब मिलके अगर काम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोगों को रिलीफ दे सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये कल का इजलास से समझ में आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में जो बहुत चाहती है कि कराची के अंदर अब उन्हें काम करके भी दिखाना है, वो किस तरह के डिसीजन लेती है। लेकिन अगर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक डिजास्टर इसको बता दिया है, एक्टिवेट कर दिया है प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट को, क्या ही अच्छा होगा कि पोलिटिकल पोलराइजेशन कम हो, सब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से कराची वालों को, और सिंध में जो देखें ही आई है, वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि वहां पर बहुत सारे कच्चे घर मिसमार हुए हैं, लोग पानियों में जिस तरह से उनके इमलाक, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड जो उनका होता है या जो उनका लिविंग होती है, वो उनके जानवर होते हैं, वो भी बह गए हैं। ये सारा वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है जो इस वक्त करके दिखाना होगा, और लोगों को कॉम्पनसेट करना बेइंतहा ज़रूरी है। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट फेज आता है जिसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको करनी होगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, ये तबाही जो हमने आज देखी है,
ये दोबारा अगले साल इससे ना गुजरें, इसके लिए बड़े सख्त एक्शंस लेने की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह ताला बारिश रहमत बरसाए, लोगों की इमलाक को, लोगों को, जान व माल को नुकसान ना पहुँचे, सब सेफ़ रहें इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।